चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। एक थप्पड़ मार दू ना तो यही कान के खून वही कान में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो यार कि आप देख रहे होंगे कि आजकल इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बन रही है, बहुत सारे मतलब कि ऐसे त्रुटि सब है जो नहीं है लेकिन वास्तव में ऐसा दिखाया गया है ताकि युद्ध टकराने। तो हम आज यही से टॉपिक पे और ट्रू फैक्ट के साथ क्या गलत है क्या सही है उसको हम लेकर चलेंगे और उसके मुताबिक हम बात करेंगे। सो आज बन रहिए इस वीडियो पर और देखेंगे पूरा एंड तक और उसके साथ रिप्लाई भी मैं दूंगा। चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले सारा नेपाल को समझ। इसको पूरा नंगा ना कर दिया तो मेरा नाम भी सागर राज नहीं। ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं और ये साला चुटपुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक। आप इसको तो जानते ही होंगे, इसका नाम है मनीष केशव जो इंडिया का पत्रकार है और ये ऐसा सा बात बोलता है, ऐसा सा बात कर बोलता है ना, कोई भी देश पे हो जाता है कोई भी रिलेशन कोई भी ऐसा ऐसा ही बोल ही देता है कि उस तरीके से हो जाता है कि एकदम झगड़ा जैसे झगड़ा का ट्रायल हो जाता है। ये छोटा सा इतना छोटू सा है जो पूरे नेपाल में, नेपाल ही की बात करें तो हम नेपाल की बात करेंगे क्योंकि अभी नेपाल के बारे में बात बोला है, गाली दिया है। तो हम ये कहते हैं कि नेपाल देश इंडिया देश की तुलना में 22 गुना छोटा है, लेकिन 22 गुना छोटा भी हो नेपाल में 3 करोड़ जनता है और 3 करोड़ जनता को ये जज करने वाले कौन होता है? एक छोटू सा आदमी 3 करोड़ जनता के बारे में से बोल सकते हैं। तो इसकी मैं इतने नहीं पढ़ा हुआ है ना, मतलब कि इसके पोस्टर इतना सा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी था न्यूज़ के लिए भी पढ़ा होगा कुछ तो ट्रेनिंग होगा नहीं उसके लिए कोई भी नियम होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप न्यूज़ पत्रकार हो तो आपको सिर्फ उसके बारे में बोलना है कि ऐसा है वैसा है, आपको नहीं कैसे किसी को गाली देना नहीं है और किसी को ऐसा नहीं करना। इसको ये बुद्धि भी नहीं है इसका। और आपको पता है कि इंडिया में बहुत वायरल जो कोई भी देश से लड़ा दे तो इसको हम अच्छा कहेंगे तो, और आपको पता ही होगा कि जो जैसा करनी करता है उसको वैसा ही बना होता है। आप इसके अंदर अभी के फिलहाल देखोगे इसको जेल में रख दिया है इसी कारण ऐसा से बोलता है, तो कोई नहीं जेल में, इसका अपने देश का आदमी है ना जो इसको जेल में रख दिया है। यही बात नहीं दूसरा मैटर था लेकिन जेल में गया जो इसको बहुत वायरल नाम था कि इंडिया को बचाने इंडिया का बेटा है ये ऐसा करते, लेकिन जैसा करोगे ना वैसा ही भरोगे। तो आपको पता है कि आजकल इसे जेल में रख गया और जेल में रखा था ना तो अपना इतना अच्छा आधा मोच आधा दाढ़ी आधा ये टकला ऐसे बनाकर एक वीडियो था क्या है ना वो भी तो आप देखा ना। इसका अर्थ यही होता है कि जो आप जैसा करोगे उसका वैसा ही बनने होगा, लेकिन ये क्या कहें, ये पत्रकार होके भी इतना नहीं नालायक जैसा है, क्या बोले हम इसको। इसका भी वीडियो हम बहुत देखते थे लेकिन ये ऐसा बोलता है। आपको हम बता दें कि ये जो बोला है ना इसी कारण से ऐसे ऐसे बात जो बोलता है इसीलिए इंडिया में वायरल है, आपको समझ आ रहे हैं ना, इसी कारण ये वायरल है। ऐसे ऐसे गाली देगा, अब ऐसे देखो जैसे कि आपका पापा अच्छा है तो हम उसके बारे में बहुत बोलेंगे, आपका पापा बहुत अच्छा है ऐसा है ऐसा है, हमारे पापा से भी अच्छा है ऐसा है, तो आपके आपको बहुत खुशी होगी है ना, होगी नहीं? और आप बहुत कहेंगे ना हमारे पापा ऐसा है, धीरे से ठोक के छाती ठोक के समझेंगे ना ऐसा है। किसी आप कोई भी आपका दूसरा साथी ऐसा बोल देगा कि आपका पापा खराब है तो आप उससे झगड़ा कर लोगे, है कि नहीं? तो ऐसा ही है कि इंडिया के आदमी लोग हैं तो ये ऐसा गाली दिया नेपाल को है ना मनीष के साथ, तो इंडिया के जितने लोग थे ऐसे हुए थे उसे बहुत अच्छा कहेंगे वाह क्या होनी चाहिए यार हमारे लिए ऐसा दिया, इसलिए फेमस होता गया और आजकल बहुत फेमस हो गया बिहार का लाल मनीष केशव। इसका इतना फैन फॉलोअर है कि बात ही छोड़ती, इससे हीरो तक एक्टर तक इंडिया के इसे मिलने आते भेंट करने आते। ये ऐसा कोई नियम ही में नहीं है कि आप पत्रकार हो कि किसी की आप गाली करो, लेकिन उसके वास्तविकता दिखाओ कि ऐसा है वैसा है करके, लेकिन दिखाओ लेकिन किसी को आप गाली नहीं क्या है कि ट्रंक उतारो ये उतारो इसको हम पहले नेपाल को सबक सिखाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई जो करने वाले वो चुपचाप है और तुम्हारी कोई सबर करो दिमाग से काम लो, आपको दिमाग तो होगा ही लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं, दिमाग तो है होते भी आप ऐसे मूर्ख वाला बात क्यों करते हो। और आपको कोई किसने दिया हिम्मत और किसने कहा कि जाओ आप इस किसी देश के गाली दो, ये आप बहुत गलत बोल रहे हो ये मैं कह रहा हूँ ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आपको गाली आती थी तो हम लोग को गाली नहीं आती, सबको आती गाली मुझे अपने ऐसे गलत करतूतों के वजह से जेल में सिकरे लगा सिकरे हाथ में और जेल में ये है और ये लोग से कह रहा है कि मनीष केशव को निकालो। भाई निकालने से थोड़ी होता है कि कुछ बोलना है जो अच्छा बोलो ना,
इसके अपने देश के लोग ने इसे जेल में रख दिया। बोलो भाई, और हम सब तो अपने देश में पाते तो क्या करते क्या करते, क्योंकि आपको किसी का देश के विरुद्ध में गाली नहीं देना है, ये आपको बुझना है। और इसके गलत करतूत के वजह से हुआ क्या पता है आपको? ये देखिए, बच्चे बच्चे लोग सीख रहा है गाली कैसे देता है। देखा अपने लापरवाही का नतीजा, और ऐसे में कोई माफ नहीं करेगा, ठीक है ना मनीष के सर? जो है वो आप बुझिए, जो है वही बोलो, और अपने औकात से ज़्यादा नहीं बोलो, ठीक है ना? और मैं ये पूरे इंडिया वालों को नहीं कह रहा, जो इंडिया के लोग हैं ना गलत उसको कह रहा, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया को कह रहा ऐसा है वैसा ऐसा है। मैं भी गाली कर सकता लेकिन नहीं करूँगा, मुझे सेंस है। इंडिया में हमारे ही रिलेशन बहुत पढ़ते हैं, हमारे भिनाजी पढ़ते हैं, हमारे मौसी का घर है, सब है। तो हम उसे अगर हम गाली अभी गाली दें कि इंडिया ऐसा है वैसा है तो वो भी रिएक्ट करेगा ना? कोई भी रिएक्ट करेगा, ये सब सिंपल बात है। जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो देखिए क्या बोलता है। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। देखा, ये होती है हकीकत। स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। कोई सेना का जवान ये कहे मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। देखा आपने कैसा था? जो इसके हाथ में पावर है और जो मानते हैं वो चुप है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं सीधा एक चैनल लिया, हे ऐसा है वैसा है, ये माथा छूते वो ऐसा, सॉरी सॉरी, ऐसे करने से थोड़ी होता है मनीष के सर, थोड़े दिमाग लगाओ, ठीक है ना? ये बहुत दिन पहले का वीडियो है और उसी के मार्फत से आप वायरल हुए हैं, इतने आगे पहुँचे हैं ऐसे ही गलत काम करने से, और उसी का फल मिला है आपको जेल में। अभी तक आप जेल में हो, पता है ना? आपका देश के लोग आपको जेल में रख दिए। अगर आप अच्छे काम करते तो आपका देश का लोग आपको जेल में नहीं रखता, बुझने वाली बात है, ठीक है? और ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा बोलता रहता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं दूसरे लोग जो ऐसा बोला है। मालिक बढ़ गया था उसका कि हम यहाँ पे चीन को अड्डा देंगे, यहाँ पे भारत सरकार ने सड़कें बंद कर दिया। अब लो नेपाल में हालत ये हो गया कि पेट्रोल भी भारत से जाता है। ये हाल हो गया कि नेपाल की सरकार ओपनली पब्लिक में आके बोली थी कि जो भी हवाई जहाज काठमांडू एयरपोर्ट या कहीं आ रहे हैं अपना वापस जाने का फ्यूल लेके आना, वरना यहीं सड़ जाओगे। वास्तविकता देखो, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59.81 रुपए और पेट्रोल 70.45 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बगल में नेपाल है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं जा रहे हैं लेने। यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है पेट्रोल की। यहाँ बॉर्डर पे लोग रोकेंगे नहीं, फिर छह एजेंसियों के जो लोग? नहीं 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 नहीं, नहीं रुकता, साइड से चले जाते हैं हम लोग। अब आपको पता है ये इसका नाम क्या है? खान सर। और खान सर ने भी ऐसा सब बोलता है। भाई ये एक आदमी जो इतना बड़ा है, हमारे देश 22 गुना छोटा भी लेकिन ये इसके साइज से बहुत बड़ा है कि नहीं? और ये छोटा सा आदमी होकर, एक आदमी सिंगल होकर ऐसे किसी के देश के बारे में बोलना उचित है क्या? वो बोल सकता है? आप देखे होंगे कि अदालत में निर्णय करने वाला ये भी एक होता है, लेकिन उसके पास बहुत आदमी होता है जिसको कहता है ये लड़ना है के लिए, ऐसा होते के लिए सुनने वाला होता है, कोई कहने वाला होता है इस तरफ होगी उसको, और लोग उस तरफ होता है। लेकिन ये सिंगल आदमी जो अपने नॉलेज से लगता है कि मैंने बहुत नॉलेज कर लिया, मेरे पास बहुत नॉलेज है, और ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, ये खान सर क्या कहूँ? इसका भी वीडियो मैं बहुत देखा हूँ, इसके भी वीडियो के एक राज है कि क्यों इतना वायरल में चला, पता है आपको? मैं बताता हूँ कि ये खान सर इतने वायरल में क्यों चला, क्योंकि खान सर जो है ना अपने सब्जेक्ट लेके सब पढ़ाता है तो पढ़ाता है, ये रोमांस की तरह पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि और लोग रोमांस जगह नहीं पढ़ाता है। अलेख पांडे को आप चिंते हो जो फिजिक्स साइंस मैथ सब पढ़ाता है, वो इतना हंसा कर पढ़ाते, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उतने वायरल नहीं हुआ जितने कि ये खान सर है। खान सर का किसके लिए, खान सर किस लिए वायरल हुआ मैं आपको बताता हूँ। खान सर कैसा है कि ये लड़की को लेकर बात करते हैं, बहुत डायलॉग है, एक डायलॉग मुझे याद था, मैं अभी बोल रहा हूँ। मुस्कुराना हर लड़की की आधा है, मुस्कुराना हर लड़की की आधा है, जो इसे प्यार समझो गाधा है, इसका ये डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ, और इसके कारण से
वायरल होते गया, क्योंकि ये लड़की को लेकर बहुत बात करते हैं कि लड़की ऐसा है वैसा है वैसे, उसे ध्यान मत जाओ। जितने एडल्ट हैं, एडल्ट पढ़ने वाले बच्चा लोग कौन होते हैं? एडल्ट ही बेसिक जो बेसिक पढ़ाता है, इसके लिए पढ़ने वाले कौन होते हैं? एडल्ट हम जैसे। तो हम जैसे को कैसा लगता है, क्योंकि हम लड़का जाते हैं तो हम लड़की को ऑब्वियसली है कि हम लड़की लोग को छाटेंगे, है ना? लड़की के बारे में कहेंगे कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, ये हमारा माइंड सेट है ना। तो इससे ही इसका भी माइंड सेट लेके पकड़ कर चला है कि लड़की के बारे में ऐसा ऐसा बात बोलता है, ऐसा ऐसा बात बोलता है कि जितने लड़के लोग हैं इसको शेयर करता है, उसी कारण से इस चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ता गया। और ऐसा नहीं कि इसके तुलना में कोई अच्छा और टीचर नहीं है, अलग पांडे को आप देखो इतने अच्छे से पढ़ाते, वो भी इंडिया का है, ये भी इंडिया का है, लेकिन उतने भारी ये नहीं हुआ। क्यों? उसका भी बिजनेस और बहुत पड़ा है, लेकिन इतने भारी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वो तो हंसान नहीं है, सामान्य बात करता है, ऐसे हंसान हंसा पढ़ाई पर फोकस कराता है और ध्यान भी लगाता है। उसका भी एक घंटा का वीडियो होता है, हर एक घंटा इसका क्या होता है, छोटा छोटा वीडियो होता है 15 मिनट 20 मिनट ऐसा ऐसा। और उसके साथ साथ ये लड़की लोग के बहुत पिछाड़ी ऐसे ऐसा बोलता है कि ऐसा है वैसा है, आप जितने एडल्ट लड़के लोग हैं वो सब शेयर करेगा ही करेगा, और शेयर करके ये सर को देखो, ये सर को देखो, आपको इन सब देखेगा, इसी कारण से वायरल होगा। और बात करेगा आप इसको कि ऐसा ऐसा बोला है, इसको भी इतना हक नहीं है कि आप ऐसे कोई भी पढ़ा ले सब्जेक्ट मारे तो वो ऐसा है, उसका बरमूल बढ़ गया था तो ये बढ़ गया था, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? आप क्या दिखाना चाहते हो कि वो उसको हमें गाली गलत कर रहा हो? वो मेरे हाथ मेरे सामने कुछ भी नहीं। और हकीकत बात क्या है, क्या वो पता है? ये अभी पेट्रोल को लेकर बात किया, पेट्रोल को लेकर बात किया तो अभी हम देखा कि पेट्रोल वास्तव में क्या, अभी कुछ दिन के पहले के बाद ही है कि जब इंडिया से लोग सब आ रहे थे नेपाल में पेट्रोल भरने, क्योंकि इधर नेपाल में यूक्रेन और उसका लड़ा हुआ ना रूस का, इसके बीच में थोड़े दिन लगा हुआ, तो नेपाल में थोड़े मीडियम खाका था पेट्रोल, मतलब भाव तो बढ़ा था लेकिन उतना नहीं जितना इंडिया में बढ़ा था, तो इधर उधर से लोग सब इधर आ गए थे। तो वास्तविक कहने का होता है, कभी काल होता है कि मतलब कि इस देश का कैसे कभी पैसा बढ़ता जाता है, उसमें तो कोई इसका मतलब नहीं रखना चाहिए। और जो सर कह रहा है कि पेट्रोल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इंडिया के वजह से नेपाल चल रहा है, ये बताने क्या चला है कि इंडिया है तो नेपाल है और नेपाल हमारे कदमों के नीचे, ऐसा बोल रहा है, इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। लेकिन इसको मैं क्या बोलूँ भाई, सुन भाई, कोई भी आप व्यापार है जो दुकान खोला है आपके गाँव घर में, तो उसका दुकान चलेगा, है ना, उसके वजह से आपको उधर नहीं जाना पड़ा, किधर नहीं चलेगा, उसके आप सामान लेकर किनते हो, ऐसा मत आप फ्री में लेते हो दुकान वाला से लेते हो, आप बोल दो नहीं ना, फ्री में तो नहीं लेते हो, आप उसको पैसा देते हो, है ना, उसके बाद वो सामान देता है, तो वो कहेगा कि अब मेरे वजह से ये पूरा गांव वाला खा रहा है, ये अच्छा है, तो वो नहीं देगा तो हम दूसरा चलाएंगे भाई, हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हम पैसा से दे रहे हैं, कोई फ्री थोड़ी ले रहे हैं। ये इंडिया बंद भी कर दिया तो क्या हुआ, हमारे कृषि प्रधान देश हैं, पानी की मात्रा में सेकेंड नंबर में आते हैं, सेकेंड विश्व का, और पहाड़े जो उसका भी आता ही फर्स्टिंग में है ना। लेकिन देखो वो कह रहा है कि ऐसा कृषि प्रधान देश का अर्थ क्या होता है कि हम अपने से खाना उजा सके, अगर हम आधुनिक तरीका से उजाए तो हम इतने खाना उजा सके, इतने चावल गेहूँ इतना खेती कर सके, किसानी खेती, ताकि सब देश में हम सप्लाई कर सकें, लेकिन हम सब ध्यानपूर्वक नहीं करते, आधुनिक की कमी आने लगे हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी हम आधुनिक से करेंगे तो अभी नहीं कर सकेंगे, हम अगर दूसरे देश से कंटैक्ट करें, दूसरे देश से कहेंगे कि हमारे पास नहीं है, आप हमको पैसा दे रहे हैं, आप हमको वो मशीन दिए तो जरूर देगा ना, उसे भी बिक रहा है ना। तो जैसा ही ये अब ये कह रहा है कि इंडिया से बॉर्डर बंद करने पे ये होगा, अरे भाई पैसा लेते तब नहीं देते हो, फ्री में थोड़ी देते हो, आपके गाँव घर में कोई फसल है तो फ्री में थोड़ी देते हो, आप पैसा देते हो तो वो चलेता है। वही घमंड कर रहा है कि भाई हमने दिया तो चला नहीं, तो चरखा नहीं खा सके, नहीं पी सके, इसे गाँव वाला सब हमारे बदल चला है, तो अच्छी बात है नहीं नहीं भाई। अब देखो कलकत्ता से हो या कोई भी, नेपाल को 3 साइड से इंडिया ने छेका है और 1 साइड से चाइना छेका है। तो आपको मैं सिंपली उदाहरण देना चाहता हूँ, आपके गांव में 3-4 फसल उससे ज़्यादा फसल होगा, जो आपको नज़दीक होता है उसी से आप अपना सामान लेते हो, उसी को आप पैसा देते हो, वो आपको सामान देता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो दूसरे के कंपेयर में हम ये अच्छा है कहकर, आपको नज़दीक हुआ तो आपने उसे लिया और दूसरा ठाम जिसके नज़दीक है वो लेगा, तो ये बंद करे वो फसल वाला अपना जो आपका गांव है वो फसल बंद करे या नहीं करे उसमें आपको मतलब है, वो बंद करेगा हम दूसरे से लेंगे, है कि नहीं, इससे मतलब नहीं, तो हम पैसा दे कोई फ्री में नहीं ले रहे, तो आपको ऐसा नहीं बोलने का कोई अधिकार नहीं, खान से बुझ रहे ना। आप इतने बड़े होते हो, आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो, इतने विद्यार्थी को लेकर चलते हो, आप ऐसे ऐसे बात बोलते हो क्या करो, डिसलाइक हम इधर से देते, आपको पसंद नहीं करते, हम आपको भी देखते थे लेकिन ऐसे बात पर कोई डिसलाइक सब डिसलाइक करेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। और आप वास्तविकता में तो विश्वास करते हो ना, कोई भी कैसा कहते हो वैसा कहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वही बताए,
ठीक है ना। और खान सर ने भी एक वास्तविकता बोला है, वो आपको देखा हुआ है, अभी कुछ गलत तो बोल ही दिया है लेकिन जो हकीकत में है वो तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए एक वीडियो देखो। लो गोरखा रेजिमेंट वालों की हाइट सबसे कम होती है, तो पहाड़ पे एकदम इजीली चढ़ जाते हैं। अब मार करने के लिए गोरखा रेजिमेंट वाले सबसे प्रमुख जाने जाते हैं। एक गोरखा सैनिक था, मतलब छुट्टी पे ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए सब, लगभग 20-22 की संख्या। अच्छा। लूटने लगे सब, इसका भी सामान छीन लिया सब। तो ये भी कहा कि भाई बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है ना, फिर उन्होंने भी अपना भी सामान दे दिया। लेकिन वो लुटेरे कुछ देर बाद लूटपाट करने लगे, एक महिला का छेड़खानी करने लगे। अब इसके अंदर का गोरखा जग गया, अब खुगरी लेके जाता है सर, निकाला होगा मारना जब चालू किया, ऑन द स्पॉट चार आदमी को मार दिया। भैया मुझे बचाओ भन्यो हैन, अनि कुन भैया कुन भैया, क्याबिनमा त धेरै हुन्छ हैन, अनि आर्मी वाला भैया आपको बोल रही हूँ भन्ने सत्ता आर्मीको त मै थियो। अनि मैले झोलाबाट त्यति बेला रिटायर भएर आएको भएन होइन, सिरुपाते खुकुरी भन्छ फेरि पल्टनतिर, त्यो हाम्रो एक्चुअली बनाएको खुकुरी लिएर आएको थिएँ दुइटा, अनि झोलाबाट स्याट निकालेर राखेको थिएँ। बहिनीलाई अनअथराइज कारवाही हुन लाग्थ्यो र मैले अन्धाधुन्ध खुकुरी लाग्दा चलाउँदाखेरि तिनजना जति अन द स्पोट भयो भन्नेको लागि खुकुरी डड्याङ र ढुटुङ क्याबिनहरूमा हाने भएन होइन, अनि उनीहरू पनि त्यहाँबाट साइड लाग्यो र केटी चाहिँ भयो, भैया म तपाईँलाई ठुलो मेडल दिलाउँछु र मलाई एउटा इज्जत बचाउनु भयो र प्लस त्यही माथि पनि मेरो ज्यान बचाउनु भयो, यो म तपाईँलाई म इन्डियन आर्मीमा बात गर्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। ठिक छ बहिनी, यो वास्तविकता क्या है? अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई टंकु खा रहे हो, इधर से मार देंगे उधर से मार देंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं है नेपाल। लेकिन आप देखो, आप जितने हकीकत जितने अभी पास आपका बल है, लेकिन इतिहास में ना इतिहास गवाह है कि नेपाल का जो गोरखाली होता है उसका नाम कितना ऊपर रहता है गोरखाली का, और वो इतिहास में दर्ज है, मिटा नहीं सकते, इस इतिहास में दर्ज है वो नेपाली गोरखाली को लेकर, ठीक है ना। तो आपको क्या बताऊँ मैं, आपको कंपेयर कुछ नहीं करना। और वास्तव में देखा जाए तो ये लड़ाई होता क्यों, जैसे इंडिया का लोग ऐसा बोल रहा है, नेपाल का लोग ऐसा बोल रहा है, नेपाल का भी बहुत लोग है जो इन सब लोग को गाली दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, बहुत लोग है ऐसा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता क्यों, क्यों अपना अपना देश को ऐसा ऐसा कर लेते, मैं आपको बता दूँ। जबकि आप देखो, आप एक क्लास में मानो एक आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक है, उस स्कूल में क्या होता है कि आपका दो साथी, एक दूसरे गाँव का एक और एक आप हो जो अपने गाँव का, और उसके दोनों के बीच में आप जो बात करेंगे, भाई हमारा गांव ये है, हमारा गांव ये है, हम हमारे वजह से हमारा इस गांव का स्कूल ये स्कूल चल रहा है, बीच में ऐसा बोलेगा ना, तो वो कहेगा नहीं ये हमारे गांव से वजह से चल रहा है, ये हमारा गांव पावर बोले। अभी देखे होंगे कि हमारे गांव में भी टोला टोला कहते छुट्टी आया होता, हम इस टोले के लोग हैं ना, तो हम सब कहते भाई हमारा टोले में सब कुछ नहीं, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। लेकिन उस टोला का आदमी भी वो कहेगा क्या, नहीं तुम्हारे टोला से कई गुना अच्छा हमारा टोला है, हमारे शांत है, बता ये है वो है कि नहीं, सब बोलेगा, जरूर बोलेगा कि कहेगा वो आपकी जो जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि जो सबको प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है। अब देखो मैं बात एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सा, गौर से सुनिए। मैंने अभी गाँव को लिया, पहले टोल को लिया, अभी गाँव को लिया, अब आप गाँव से हम कहेंगे जिला में, हम कहेंगे हमारे जिला का अच्छा है, हमारे जिला के नेता भी है जो पालन बन रहे हैं, जो अभी देश में अच्छा से काम कर रहा है, तो एक कहेगा लड़का कहेगा हमारा एक रैपर है रोथर है, रोथर का रैपर है जो अभी पूरे नेपाल भर में नाम चलाया, ऐसा बोलेगा, बोलता है मेरा साथी है जो ऐसा बोलता है कि मेरा जिला अच्छा है, मैं कहूँगा मेरा जिला अच्छा है ना। अब उसको आप देखो, गाँव से जिला पाया, जिला से हम कहेंगे प्रदेश, कहेंगे हम प्रदेश नंबर दो बहुत अच्छा है, प्रदेश नंबर दो बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ है, समतल जमीन है, ये है। और तीसरा बोलेगा नहीं प्रदेश में तीन भी अच्छा है, चार भी अच्छा है, सब अपना अपना लेकर सब बड़ाई करेगा। और फिर हम देखो आप विदेश में, ये तो हुआ हम आप विदेश में, तो विदेश में तो हम क्या कहेंगे, गांव गांव टोल है ना, गांव टोल प्रदेश जिला सब भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे अब विदेश में, हम दूसरे देश में गए तो हम कहेंगे नेपाल बहुत अच्छा है, अब दूसरा कहेगा इंडिया अच्छा है, कोई कहेगा बांग्लादेश अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है ना, सब बोलेगा। तो ये जन्मभूमि है, जन्मभूमि में है ना, सबका जन्मभूमि होता है अपने लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत मायने रखता है। और इस हम कहेंगे नेपाल का, नेपाल जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, तो हमारे जितने नेपाली लोग होंगे सब कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सब बोलेंगे, बोले ना। हम अभी किसी को कोई देश को गाली दे तो सब हमारा सपोर्ट करेगा, हाँ नेपाल अच्छा है, उसने ऐसा बोला, आपको बोलना चाहिए था, लोग ठीक बोला। लेकिन साइंस सेंस लगाओ यार, सबका जन्मभूमि उतना ही प्यारा होता है,
बुझे नहीं। तो आप किसी जन किसी की जन्मभूमि को आप गाली नहीं दे सकते। जीते आप कह रहे हो राम भगवान, राम भगवान जब ने लंका में जाकर रावण को अंत कर दिया तो उधर सोना का पूरा जहाँ महल था वो सब राम भगवान को दे रहा था, लेकिन राम भगवान भी क्या बोले कि नहीं हमारा जन्मभूमि है हम उधर ही जाएंगे, इधर हमने सोना का कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल गए। तो भाई इंडिया में आप सबको इंडिया में बोल रहे हैं कि हम ये हमारा हिंदू धर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई हिंदू धर्म होना चाहिए, हिंदू धर्म जैसे लिखा गया है संस्कृत में ऐसे आप कर रहे हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बात आप विवाद करते हो, ये हमारा पावरफुल है हम ये करेंगे देंगे, और हिंदू धर्म कोई भी धर्म कोई जात का कोई हमसे उससे मतलब नहीं है। हम एक ही बात कह रहे हैं कि आपको ये देश में आप जो कर रहे हो किसी किसी देश को आप गाली दे रहे हो वो अच्छा है क्या? अच्छा है हाँ बोलो, आप खुद से बोलो, खुद से वीडियो देखो और शेयर करो, आप पता चलेगा कि हाँ ये आप सही बोल रहे हो कि आप किसी देश को आप गाली दे सके हो। इस कौन से नियम में लिखा है, कौन से क्या में लिखा है हिंदू धर्म के लिए इतना मार करते, लेकिन हिंदू की धर्म का कोई भी गुण आप कर रहे हो? गुण तो नहीं दिखा रहे, लेकिन सीधा बोल दिया, एक ने बोल दिया भाई ऐसा है उसको गाली दो, तो सब मिल हाँ वो देश गलत है उसको गाली दो गाली दो गाली दो। पाकिस्तान को लेकर आप बार बार गाली देते रहते हो, पाकिस्तान का लोग का अपना जन्मभूमि का प्रेम है कि नहीं, वो आपको कुछ गाली दे सकता है कि नहीं? तो आपको सेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपने बल पर कूद रहे। आप अपने जो बोल रहे हो आप अपनी औकात देखो, जो अभी जैसे खान सर हुआ, मनीष केशव हुआ, जो सब ऐसे ऐसे बोल रहा था उसकी औकात के इधर कोई है कि नहीं? नेपाल में भी होगा ना, उससे ज़्यादा औकात का होगा कि नहीं? आदमी सब देश में होगा। तो अपना देखो भाई, तुम एक छोटू सा आदमी सबका निर्णय नहीं कर सकते, सबको हम नहीं बता सकते पूरा देश के लिए कि ये गलत है कहकर, है ना? अब इतिहास गवाह है कि नेपाल कैसा था, कैसा है, कैसा नहीं। ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं। देखिए आप दूसरे, ऐसा नहीं है कि नेपाल के लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, कि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि ये तीनों इलाके नेपाल का हिस्सा हैं जिन्हें नेपाल अब अपना हिस्सा बता रहा है। उबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। भारत के पास ये भी एक न्यूज रिपोर्टर है, और सबसे ज्यादा गलत बात बोलने वाला नेपाल में नेपाल के बारे में यही है ये। और एक तो मनीष के साथ था तो वो तो गाली दे के चला गया, लेकिन ये है कि गाली नहीं लेकिन ऐसा सब बात बोलता है कि नेपाल इंडिया में लड़ाई करा दे, तोप से हनाहानी करवा दे, गोल बंदूक गोली बंदूक सब चलवा दे, ये ऐसा आदमी। और इसका नाम मैं बता दूँ आपको, साला मैं भी भूल गया इसका नाम, अभी सब छोड़ के बता दूँ थोड़ी देर। तो फाइनली इसका नाम याद आया, सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी ये भी है। इसके फेस से मैं पहचानता हूँ, इसका नाम कौन याद करेगा, ये कौन ही समय इसका नाम याद करेगा। इतना गलत गलत बोलता है नेपाल में आकर भी, कभी कहता है ये माउंट एवरेस्ट का नाम बदल दो, ये नाम रख दो, भाई क्या क्या बोलता है क्या क्या बोलते हैं। अभी इसने कहा कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि लिपुले काला पानी और ये हमारे नेपाल में पड़ता है, तो आप हमें प्रूफ दिखाना चाहते हो। मैंने भी गूगल पर सर्च किया था तो ऐसा आया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको शेयर हो गया होगा, आप देखिए ऐसा है। मैंने अपने खुद से सर्च किया, खुद से सर्च किया भाई, और कुछ कुछ फोटो भी मैंने स्क्रीन शॉट लेकर रखा है ना, आप देख सकते हो वो भी। देखो ऐसा किया तो पूरा नेपाल का रहा है, इसमें आप देखोगे तो ये नेपाल का जल्दी अंडा के घर आया। अब आप क्या कह रहे हैं आपको खुद आप समझिए ना, मैंने भी सर्च किया तो ऐसा आया है। देखो काला पानी इरिजिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोवाइंस ऑफ नेपाल, आप लोग भी गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है, वो आपको देख कर पता चल जाएगा कि कौन किसका है नहीं है। और इसके बाद इस सुधीर चौधरी के बारे में बात करें, ये सुधीर चौधरी कौन सा आदमी, ऐसा घटिया आदमी है, ऐसा घाटी आदमी है कि ये आज के आज लड़वा देगा एक दूसरे देश को आजकल लड़वा देगा, जैसा ये पागल है संखी है, इसका ये काम नहीं करता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये पत्रकार हो कि न्यूज नेशनल न्यूज रिपोर्टर होकर इससे इतना भी खबर नहीं है कि आप न्यूज रिपोर्टर हो न कि आप पूरा राष्ट्रपति हो कि आप ऐसे कर दो कि हाँ भाई हाँ लो फिर गोली चलाओ बंदूक चलाओ, ऐसा नहीं आप कर सकते। ये आप सेंस सोचते क्यों नहीं? आप एक छोटू सा आदमी
पूरे नेपाल को आप चैलेंज दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, उसके इतिहास लाओ, ऐसा है वैसा है, इसमें बंदूक गोली ऐसा करो, ये जमीन नहीं है वो नहीं है, ऐसा ऐसा बात ही बोलता है। पूरा आपको पूरा दिखाऊंगा पूर्व के साथ ये क्या बोला है। और इसके जो देखेंगे प्रोफाइल पर इसका यूट्यूब जो चैनल है इसका खुद का जो चैनल है, मतलब खुद का नहीं, ये इसका जो न्यूज रिपोर्टर चैनल है ना जी न्यूज, उस पर आप देखोगे तो ऐसा ऐसा बात बहुत बुरा है। इसमें क्या लिखा है, भगवान बुद्ध पर किसका अधिकार। लो आप सबको पता है कि भाई नेपाल के लुम्बिनी जिला से भगवान का उपति है, मतलब कि वहाँ से आप सफर गए हैं, जन्म भी वहाँ है, लेकिन इसका देखो किस पे अधिकार, अब भगवान पे भी अधिकार दिखाने लगा। इसके जो आप देखोगे ना वीडियो और ऐसा सा बात पे बात को लेकर इसका सुनते कि इसने क्या क्या और क्या क्या बोला है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं जबकि नेपाल के सेना के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो इसी तरह भारत की जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ रुपए है जबकि नेपाल की जीडीपी सिर्फ 2 लाख करोड़ की है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 20 से 25 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं, इनमें से 10 लाख मजदूर रहते हैं। यानी नेपाल न केवल सैन्य शक्ति के तौर पर भारत से बहुत पीछे है बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक भारत पर निर्भर रहती है। भारत के सामने नेपाल कितना छोटा देश है, नेपाल की कितनी सीमित क्षमताएं हैं कि नेपाल हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया, नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया, नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकंदर रख दिया जाए। भाई क्या मैं बोलूं इसको, क्या बोलूं, लेकिन इतना सेंस है, हमें सेंस है कि हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम इंडिया वालों को गाली नहीं दे रहे। भाई इंडिया से देख रहे हो तो भाई आपको मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये बात सुन लो, लेकिन आपके इंडिया के जो लोग हैं वो ऐसा है, घटिया है, देख लो आप खुद से देख लो कितने घटिया है। हमारे देश का ऐसा कोई न्यूज रिपोर्टर होगा वो आपको आपको नहीं दिखाएगा कि भाई ऐसे इंडिया ऐसा खराब है, वो है ये है वो है। आप देखो माउंट एवरेस्ट हमला है, सबको पता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ता है, वो कह रहा है कि हमारा नाम नाम मोदी जी आप नाम चेंज कर दीजिए, ये कोई बात हुआ? ये न्यूज रिपोर्टर है बड़का जी न्यूज का, इंडिया का बड़ा ही न्यूज है, और उस पर ऐसा सब बोल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये अधिकार दिया होगा ये भारत के सरकार ने? मोदी सरकार खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें नेपाली भाइयों का रक्त बहा नहीं हो, वो खुद मान रहे हैं क्योंकि उसे पता है, और इसीलिए वो आज तक इतने बड़े देश को चला रहे हैं। हम उसको मानते हैं, मोदी जी लाइक, मोदी जी को लाइक करें। लेकिन ये टूटा फूटा आदमी क्या क्या बोल रहा है भाई, ये लड़ाई आपको क्या लग रहा है कि जो लड़ाई की बात कर रहे हैं आप लड़ेंगे कि अच्छा हो, या आप ऐसा बात कर ले, ये हकीकत में ये आपको देखिए तो ठीक है अच्छा है। हमारे देश के बहुत लोग हैं जो आप न्यूज रिपोर्टर से लेकर बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता पता है? क्योंकि हमारे जहाँ हिंदू धर्म को वहाँ को कह रहा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमारे यहाँ है वह ऐसा व्यवहार है, उसमें गुण है, आपने गाली दिया इतना, लेकिन न्यूज रिपोर्टर वाला गाली नहीं दिया आपको, भारतीय से आपको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको कि छाटे जा रहे हो मुँह छाटे जा रहे हो। भाई आप पकड़ाओगे ना नेपाल में तो बहुत हालत हो गया भाई, अगर मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे बात जो बोला है। अब बात हम करते हैं, देखें आप हम कंपेयर करेंगे ठीक है, इसने तो कंपेयर किया गया कि भाई इसने सेना बल कम पर है, इसी आदमी मजदूर है जो हमारे देश में काम कर रहे हैं। आप देख बात करें हकीकत क्या है, हकीकत है ऐसा है कि बहुत आदमी लोग हैं जो इंडिया में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग नेपाल में नहीं जाते, इंडिया के लोग भी बहुत बहुत सारा है, रेस्टोरेंट होटल खोला देख रहे उसमें काम करेगा, ठेला होता है उसमें काम, बहुत लोग हमने खुद से आँख से देखा है भाई, खुद से आपने आँख से देखा है भाई और काम करता है। तो इसके मतलब क्या हो गया भाई, जहाँ आपको प्रॉफिट होता है जहाँ आप काम कर रहे हो, अगर ऐसा होता तो इंडिया के लोग नेपाल में थोड़ी आता, नहीं आता ना, जबकि 1.6 पैसा के मतलब कि 6 पैसे का तुलना में मतलब कि नेपाल इंडिया के तुलना करोगे तो 6 पैसा हमारा नेपाल का कम है, फिर भी इंडिया के लोग नेपाल में काम करने आ रहा है, क्यों क्यों भाई क्यों बोलो ना। समझ में आवे, जहाँ जिसको प्रॉफिट लगता है जहाँ से जैसा लगता है वैसा जाते हैं ठीक है, तो उसको लेकर आप नहीं बोलना चाहिए सर। आप कह रहे हो कि भाई उसका आदमी हमारा देश में काम कर रहा है, तो काम कर रहा है अच्छी बात है, कहाँ भी कर रहा है तो काम करके पैसा ले रहा है। आप अगर मान लो अगर हम वहाँ से आदमी लोग चला है इधर कर रहे हैं, तो आपका वो बिजनेस जो है तो अभी रुकेगा कि नहीं, थोड़ी देर रुकेगा कि नहीं, आदमी तो नहीं उठ रहा
है कि नहीं। लेकिन आपको हकीकत ये भी बता दूँ कि इंडिया के बहुत सड़क पर देखोगे, ऐसे बहुत ठाँव ठाँव पर देखोगे तो बहुत जो गरीब है, मतलब कि उसमें सलाम करते, मतलब वो रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग को देखेंगे कि आपको मिल जाएगा रास्ते पर जो कटोली लेकर भीख मांगता है, ऐसा करता है वैसा करता है ना, जबकि वो काम ही कर सकता है बहुत लोग का, बहुत लोग नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं उसके लिए दिल से मतलब कि अच्छा हो है ना, तो उसके लिए दिन अच्छा चले। लेकिन जो लोग अच्छा भी जो काम कर भी सकते हैं ना, वो भी भीख मांग रहा है भाई, फ्रॉडी डिग्री रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रॉडी वहाँ पर होता है, इंडिया में फ्रॉडी डिग्री होता है, भीख मांगता है बिना मतलब कि, ऐसा सब है। हमारे नेपाल में क्या है, हमारे नेपाल में क्या पता है आपको? आप हमारे नेपाल में देखोगे तो कहीं पर आपको भीख मांगा कोई होगा, कोई होगा 2% 3% जो भीख मांगता होगा, जिसके वह ऐसा हालत है तो थोड़े मतलब कि उसे भी पेट गुजारा चलता है, क्योंकि पेट होता भी सब कुछ है ना, तो ऐसा करता है। लेकिन इंडिया में देखोगे तो पहले पहले पे मिल जाएगा भाई, पहले पहले पे मिल जाएगा आपको, पहले पहले पे मिल जाएगा इतना लोग। और कुछ दिन तो नेपाल में आकर पशुपति मंदिर में देखो तो उसको पूछा गया कहाँ से हो आप, तो इंडिया से बोला, पूछा गया कहाँ से हो आप, तो कह रहा है कि इंडिया से हो, इंडिया से तो क्या करते हो, तो हमारा पेट पूछ कर रहा था भाई भी थोड़े ऐसे सब पैसा वैसा मांग लेते हैं लोगों से, पैसा बोले काम करना नहीं जानता। लेकिन हमारे लोग हैं जो नेपाल गया वो काम करता भाई, काम करता है, काम से पैसा लेता है। दोस्त आपका देश में गया तो काम करता है, उसके पैसा लेता है, ठीक है ना, तो आपको बुझना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, काम कर रहे हो भाई पैसा ले, ठीक है वो तो अच्छी बात है ना। तो आप जैसे तैसे बोल रहे हो ऐसा है वैसा, ये सब गलत बात बोला है आप, ये सब ये बोल दिया ये बहुत गलत था। और दूसरी बात कंपेयर कर रहे हो कि भाई हमारा देश में बहुत सेना है, हमारे देश में बहुत सेना है, इंडिया में दे बहुत कम सेना है, ऐसे ऐसे बहुत बात बोला है। मैंने कट कर कर थोड़ा बात लगाए भाई, देखो सेना आपका देश बड़ा है तो देश में तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको देश में इतना ही सेना तो बहुत दिन से होगा ना, आज तो डायरेक्ट आज तो नहीं बढ़ गया है ना, जैसा इंडिया में जैसा नेपाल में भी एक ही बच्चा पर तो कोई रोक नहीं लगा, इतने दिन से आपको इतिहास में तो दर्ज तो नहीं हुआ है ना, लेकिन नेपाल का है ना दर्ज हुआ है, तो आप इससे बुझो भले कम हो तो क्या हुआ, एक है ना जो हीरो काफी है, ठीक है ना, एक हीरो काफी है, कम है तो क्या हुआ। अभी इतिहास में देखोगे तो नेपाल का लिखा हुआ है, इसमें दर्ज है कि नेपाल से जो गोरखाले होता है उसे न मरने की डर होता है न मारने की डर होता है, सब डरा रहे थे भाई, सब डर गया था हिल गया था, इतिहास और पलटा कर देखो ना। हाँ तो क्या आप ऐसे ही बोल दे कि ऐसे वहाँ हमारे पास तोप है, हमारे पास ये क्या होता है सब मशीन नहीं होता है जिसमें धुर धुर चला कर, और एक राव खेत होता है ना वो भी, हमारे देश में ये सब नहीं है, इसका हम आते क्यों नहीं है, तो हमारा देश देखो भाई कंपेयर करो आप क्यों नहीं, तो देखो हमारा हमारा जो देश है ना सांस्कृतिक धार्मिक सब है, इसमें क्या है कि सबसे एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, क्यों लड़ाई करें हम, क्यों हम तोप मंगाए। मानो आपके घर के कोई आदमी है जो लड़ने गया, हमारे घर के लड़ने गया, कोई एक आदमी मर गया, मर गया तो आप आपको खुशी मिल गया कि भाई मर गया, उसके पीछे देखो ना यार एक आदमी था, उसके पीछे कितने चार बच्चा था, उसका अपने मम्मी पापा था, उसके घरवाली थे, सब रो रहा होगा, कैसे चलेगा दिन, कैसे गुजरेगा उसका दिन, ये कभी सोचा है किसी से मार दो मर दो, हमारे देश में से तो नहीं बना दे, क्यों नहीं बना दे, थोड़े बहुत है जो सुरक्षित के लिए अपने सुरक्षा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं बना दे, क्यों बनाए भाई, किसी को मार का हमारा फायदा मिलेगा, हम धनी हो गए। संस्कृति में देखोगे मारने वाला से बचाने वाला एक अच्छा होता है हीरो होता है, सौ मारने से एक बचाने वाला हीरो होता है, कंपेयर इतना तुलना के कहाँ, सौ आदमी गुंडा है जो सौ हजारों को मार दिया, लेकिन एक आदमी है जो एक को बचा लिया वो हीरो हो गया, लेकिन तो हमारा देश मारने और मरने पर टूट जाते हैं जब एक ऐसा टाइम आता है, लेकिन अभी ऐसा फिलहाल अभी ऐसा है कि हमारे इस भी देश में हमारे ऐसी ऐसा गुण है कि भाई किसको मानना नहीं चाहते, बेराम मत क्यों झगड़ा करे, क्यों लड़ाई करे, क्यों करे, क्यों तोप रखे भाई, क्यों रखे हम तो, क्यों रखे तो हम क्यों मारे किसी को, मार दिए गोली, अब इसके बारे में सोचा है उसके पीछे जो आदमी होगा कैसा चल गया चलेगा उसका घर, कैसा सोना सोना हो गया, तो आपने अच्छा काम कर दिया मानकर, आपने बहुत अच्छा काम करे, आप धनी हो गए, बहुत आभार आदमी हो गए, क्यों रखे भाई, आपके घर में तोप उप है ऐसा है, आप कंपेयर करेंगे, हम आपसे खुद से नहीं कहूँगा कि हमारे पास ऐसा है हुआ है या है, आप खुद एक वीडियो दो जिसमें खुद इंडिया के लोग हैं जो बोला है,
जा भाई अच्छा होता है ना, तो कोई ना कोई जहाँ के अभी हो बोल ही देता है कि भाई ये देश अच्छा है, ये वो अच्छा है, ये आदमी अच्छा है। तो ये आप खुद देख लो यार क्या बोला ये। नेपाल नेपाल ही इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेपाल छोटा जरूर है लेकिन नेपाल में सारे नदियों के झील बहते हैं, पानी खोल दूंगा तो बह जाओगे। हम लोग बह भी जाते हैं कभी कभी, ज्यादा पानी होता है तो सन 2017 में तो बहुत डुबकी लगाई जी हम लोग, हमारी गाड़ी में 5 फीट पानी। तो यही बात है, तो नेपाल से बहुत प्यार से मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, करीबी पड़ोसी मुल्क है हम लोगों का, हमारे आधे रिलेशन तो नेपाल में ही। बात अगर नेपाल पर कोई अटैक करे तो नेपाल खामोश थोड़े रहे, भले ही हमारे भारत से अगर झगड़ा हो जाए तो हमारे मोदी जी को भी कहेंगे कि भैया चुपचाप रहना, तुम्हारे पास मिसाइल है, हमारे पास बम वाटर है, पानी का वाटर, पानी का बम, हम पास तो मिसाइल नहीं होगा, हमारे पास हिमालया है, हिमालया, दुनिया के अंदर इतना बड़ा पहाड़ नहीं, इतनी बड़ी चोटी नहीं। तो आपने देखा ना इंडिया के खुद लोग ऐसा सा बोला, कुछ लोग ऐसा है कि क्या ही बोलूँ मैं, क्या बोलता है अपने आप को हीरो ठान लिया कि क्या मान रहा है भाई। ये न्यूज रिपोर्टर सुधीर चौधरी, क्या भाई समझते हो आप, सेंस है कि नहीं, इंडिया का न्यूज रिपोर्टर इतना बड़ा होकर ऐसे ऐसे गलत बात क्यों बोलते हो। हम ही छोटे हैं, हम ही न्यूज रिपोर्टर कुछ भी बोल सकते बोल देंगे, तो ये अच्छा बात है क्यों है ये, इसे आदमी भड़कता है भाई, ठीक है ना। तो आपको कोई भी कोई कानूनी रूप से आपको प्रूफ नहीं किया वैसे बोल से आपको नहीं ठोक दिया है पीठी से, हाँ भाई बोलो तो ठीक है ना, तो अपने औकात से अपने अच्छे दिमाग लगा कर बोलो, जितना है उतना ही बोलो, अपने मन से बोल रहे हो ना, जो मन है वो दिखा दिया भाई, ये है वो है वो है, क्यों ऐसे क्या मिलता है आपको, भड़का क्यों रहे भाई, प्रेम से रहो ना प्रेम से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घर था वहाँ पर इंडिया पर, लेकिन क्या कर रहे हो भाई, कोई भी गुण है उससे ज़्यादा तो गुण हमारे हैं भाई, हम लोग ऐसा नहीं बोलते, अब ऐसा ही है कि ऐसा ऐसा बोलते रहते कोई किसी आदमी को गुंडा पीत लहर जाते हैं भाई, आपको बारे में ऐसा ऐसा बोलूँगा, ऐसा तुम ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, आपको गुस्सा आएगा ना, अभी कुछ बोलोगे ना, ऐसे भी कुछ चार लोग हैं तो हमारा तो वो भी बहुत कहता है कि भाई अगर आ गए नेपाल में हमसे भेंट हो गया तो गया तुम, इसलिए भाई ऐसे मत बोलो, जैसा है जो ट्रू है वही बोलो। और आप ये कह रहे कि भाई इंडिया से डर गया, हमारे न्यूज रिपोर्ट में इतना गुण है, हम ये है भाई, डरा कोई भी नहीं, कौन था कोई से डरता भाई, कोई डरता है, मैं आपको उससे डरूंगा, तुम मुझसे डरोगे, क्यों डरे भाई, क्या है तुम्हारे पास, गोली तो मार दो, तो सेंस नहीं है जो तो गोली ठोक के मार दो है ना, उससे ज़्यादा कुछ करोगे, एक आदमी दो आदमी दस आदमी मार देगा डर फैल जाएगा, ये विश्व इतना बड़ा नहीं है जितना सोच रहे हो, तुम गिन नहीं सकते हो जितना आदमी है, ठीक है ना, आपको फिर से देखोगे ना तो चीन नहीं सकते जितना, 3 करोड़ हमारे नेपाल में जनता है ना, उसके 100 के बीच में रख देना तो कोई आपको पहचानेगा ना भाई कौन है, जहाँ खान सर हो या भाई क्या है उसका नाम, फिर बिसर गया भाई, सुधीर चौधरी हो और एक और था मनीष केशव हो, इस तीनों के बीच में राउंड राउंड घुमा दूंगा ना, पहचानेगा नहीं कौन भाई, सही को आदमी है, सही को बात है, कहाँ हमारे 3 करोड़, तो एक जनता होकर 3 करोड़ का चैलेंज दे दो, थोड़े सेंस तो लगाओ भाई, ऐसे मत बोलो, क्यों बोलते हो, हम खुद से अपना बड़ाई नहीं करते भाई, कहा गया ना अभी खुद ने कहा कि भाई तुम्हारे पास हमारे पास तोप है तो उसके पास वाटर बम है, खोल जाएगा तो बह जाओ, लेकिन हमने कभी घमंड किया किया नहीं ना, और हम लड़ना भी नहीं चाहते भाई, क्यों लड़े हम, क्यों लड़ाई करे, अब इसलिए कि आप देखोगे कि आपका जितने लोग हैं उससे आप 10 आदमी एक पर भिरा दोगे, अब इसलिए लेकिन मार दोगे तो 10 आदमी मिलकर एक आदमी को मरते तो आप वीर बनाओगे नहीं, अगर एक आदमी है ना एक दो भी को गिरा दे ना तो वो वीर करा कर मरेगा, लेकिन आप नहीं, ऐसा सोचना बंद करो कि हमारे देश के तुलना में छोटा सा देश है हमारा नेपाल, छोटा छोटा मत बोलो, जो है उतना दम रखो, देखो छोटा छोटा मत बोला कर, बहुत ही ऐसी गुण तुम से लेकर सब कुछ, तो आप दिमाग में थोड़े कंसिस्ट करो, क्या बोलते हैं दिमाग में बात रखो, ठीक है ना। चलो भाई अब और को एक इसलिए नहीं बोलो, मार पीट में कभी भी किसी का फायदा नहीं है, किसी का घटा ही, आप 100 लोग उधर से पढ़ाओगे इधर से 50 जाएगा 100 ही जाएगा, तो कोई 20 में 25 30 तो मरेगा 40 मरेगा, तो उसके फैमिली को देखो ना यार,
उसका फैमिली पर क्या बीतेगा, तूने मार दिया, और उसके फैमिली के बारे में कुछ ही सोचा क्या, उसका फैमिली कैसे जिया, कैसे रहेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, कभी सोचा नहीं ना। तो हमारे देश ऐसा है कि सब सोच के चलता है, ऐसा नहीं बोलता है, सब सोच के चलता है और सब कुछ मैनेज करके चलता है। तो आप ही सुना लो ठीक है ना, और हमें ये मैंने खुद से नहीं करा, और इतना बहुत लोग है इंडिया का जो खुद से बोला है कि नेपाल को नहीं इतना अच्छा है रहेगा। हाँ अब तू ना करोगे भाई, हमारे इंडिया और नेपाल में तू ना करो भाई, तुम्हारे पास बम है, तुम्हारे पास वाटर बम हो गया, तुम्हारे पास 100 आदमी है तो हमारे पास एक है जो वीर, इतिहास गवाह है कि एक आदमी वीर होता है। बम ही नहीं क्यों हम बनाते नहीं है, क्यों हम बनाए एक दूसरे को मारने के लिए। राम भगवान है जो खुद ने रावण को भी एक मरने वक्त भी कहा था भाई तीर चलाने वक्त, जब निशाना बैठा था कि ढोर में मार देंगे, लेकिन फिर भी सोचा कहा था, उससे पहले भी कहा था कि भाई पत्नी को ले गए लेकिन अभी भी तुम्हारे पास है, अभी हमारे पत्नी को लौटा दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, नहीं हम मानना चाहते आपको, हम नहीं मानना चाहते आपको, बुझा नहीं मानना चाहते। फिर भी क्या करता है रावण, नहीं माना, माना गया। ऐसा ही हमारे पास क्या है कि हम सब नहीं मानने मरने पर नहीं तुलते, हम क्यों मारे मरे, आपके पास आदमी बहुत है तो आप मार दोगे, कि आपको पूरा बने का वीरता है, वीरता में एक आदमी नाम लिखाता है जो 100 के बीच में मर भी गया ना तो वीरता में नाम लिखाता है, बुझा। और आप बात करें कि आप देखो तो वास्तविकता की है कि इंडिया में बहुत लोगों को देखोगे तो जिसके बाद दम है बल है फिर भी वो भीख मांगता है, लेकिन नेपाल को देखोगे तो मजदूरी हर वक्त करता है, मेहनत क्या होता है, काम करेगा तो पैसा देगा और पैसा अपने आप के पैसा से खाता है, खाता है। देखो और दूसरा कंपेयर करोगे तो इंडिया का जनता लोग बहुत गरीब है, गरीब है इसीलिए नेपाल इंडिया का सरकार है जो पैसा बांटता है, देते कि राशन देता है, ये देता है, लेकिन हमारे देखो कंपेयर करोगे तो इंडिया से नेपाल में कंपेयर होता है, नेपाल का हर एक जनता धनी लेकिन देश हमारा गरीब है, कुछ मुझ चुतिया है ना, चुतिया नेता लोग की वजह से, ठीक है ना, लेकिन वो भी आप सुधर रहा है, सुधरने के मोड पे है, ठीक है ना। और बात आप दूसरा भाई, आपके देश में पानी नहीं है, उससे ज़्यादा पानी हमारे देश में, ठीक है ना, दो नंबर पड़ता है, पहाड़ आपके देश में कम है उससे ज़्यादा फर्स्ट एक नंबर में आता है हमारा पहाड़ आता है, माउंट एवरेस्ट जिसे कहा जाता है भाई। तो आप खुद से देखो कौन बड़ा हुआ, हमारे पास इतना, हमारा वातावरण बहुत अच्छा है, हमारा का यहाँ का पानी से लेकर दो नंबर पर पड़ता है, देश का दो नंबर पड़ता है, और देखो यहाँ का वातावरण से लेकर पूरा घूमने ठाव बुरा मन के बहुत पहाड़ समझ लेके माउंट एवरेस्ट जो दुनिया में एक ही बड़ा है वो हमारे देश में पड़ता है, और यहाँ का धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ का जो धर्म निरपेक्ष एक दूसरे देश का धर्म का सबका धर्म का सम्मान करता है, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा, किसी का भी नहीं मुद्दा पर नहीं हुआ कि भाई ये ऐसे लड़ो, जैसे आपको होता है ना कि हिंदू मुस्लिम हर धर्म झगड़ा होता है, लेकिन हमारे देश में भी है हिंदू मुसलमान हर चीज़ इस एक एक साथ सब है, लेकिन हमारा धर्म निरपेक्ष है। तो कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, भले हम छोटे लेकिन देखो तो संस्कृति रूप से तो हम ही बड़ा हुए, हमने कभी घमंड नहीं किया, आपको तोप है बंदूक है तो आप घमंड करो, हमें मैं माना मानता हूँ भाई आपके पास तोप से तो आप ऊपर से आओगे 3-4 दिन धर से मारोगे हम सब मार दो, इससे आप धनी हो गए क्या, आपको वीरता में नाम दिखाया गया भाई, नहीं ना, वीरता में नाम तो हम पाना पहला ही इतिहास लिख दिया है ना, हम सब बम मारो नहीं बनाते भाई, राम भगवान खुद ने कहा है कि मारने वाला से बचाने वाला अच्छा होता है, तो वैसा ही हम बड़ा हो गया भाई, तो आओगे मार दोगे और तू कुछ नहीं कर पाओगे ना। और दोस्त अब चलते हैं अगले एपिसोड पर, और अगला क्या है अभी आजकल मुद्दा में क्यों क्या रहा है कि आप देखो बहुत विवाद ये अब हो गया है, क्योंकि वहाँ पर रखा है अखंड भारत, हमारे देश में रखा है ग्रेटर नेपाल, इसके लिए बहुत विवाद में चल रहा है, उसके लिए मैं भी अब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हमने शुरू से लेकर अंत तक ने ये डिस्क्राइब किया है, पार्ट वन पार्ट टू कर रखना पड़ेगा क्योंकि अभी 45-46 मिनट हो गया। तो देखो अब इसमें क्या है, ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत, अखंड भारत जब लेगा तो हमारे नेपाल को भी कुछ भाग समेटना पड़ेगा उसे, और हम ग्रेटर नेपाल लेंगे तो इंडिया का हम भूभाग को समेटना पड़ेगा। और वास्तविकता देखा जाए तो इतिहास में देखोगे, अभी आप गूगल पे भी सर्च करोगे है ना, गूगल पे मैं कुछ सर्च किया हूँ, वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप सर्च करोगे कि ओल्डेस्ट कंट्रीज कौन सा है तो आएगा नेपाल, इंडिया और नेपाल निकलेगा, नेपाल आएगा। अब हमने गूगल से सर्च किया भाई, गूगल का सीईओ भी इंडिया के लोग, फिर भी मैंने सर्च किया लेकिन आए, और फिर दूसरे दिन के बाद मैंने सर्च किया तो थोड़ा थोड़ा टूटी आ रहा था, थोड़े अपडेट जैसा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सर्च किया है उसका वीडियो में, और मैंने दोस्त भी रिकॉर्ड किया है, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। वीडियो आप देख लो, ओल्डेस्ट में आता है नेपाल, और भूभाग को बात करें तो सही में इतना था, पहले इतना था
हकीकत में नेपाल इतना ही बड़ा नहीं, बहुत बड़ा था। युद्ध हुआ ना नेपाल नेपाल जो अंग्रेज का, तो उस टाइम कुछ भाग था तो अंग्रेज ने जब्त कर लिया था। और होते होते जब वो अंग्रेज नेपाल से हार के चला गया तो इंडिया में भी बहुत राज शासन किया, लेकिन उसके बाद जो गया तो वो जो जमीन था उस पर कोई इंडिया भी नहीं मतलब कि नक्शा में कर रहा था। अब जब जो भौगोलिक संधि हुआ ना, भौगोलिक संधि, तो उसके आप पत्र है हमारे, पत्र हम आपको दिखा देंगे पत्र में क्या था। पत्र जो आप देखोगे ना अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है कि भाई वो क्षेत्र अभी भी आप चाहते हो लेना तो ले सकते हो, क्योंकि उसमें देखेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे खुद बताया गया और उसका प्रूफ है इतिहास में, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया ऐसा, ये पहला का कागज है उसमें, ठीक है ना, ऐसा ऐसा हो है, मैंने भी वीडियो देखा है प्रूफ के साथ ही, तो लेकिन है तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल प्रूफ के सेंस पे चलते हैं ना। तो अब इसी के लिए आप दोस्त, कोई कोई वीडियो वाला है, कोई न्यूज़ चैनल वाला है, ये है वो, आप ऐसा सा बात बोलते हैं, क्या क्या बोलिए ऐसा सा बात ही बोलते थे। देखो अब ये वीडियो सोचिए, अगर हमने ये दिखा दिया कि अच्छा। पूरा नेपाल हमारा है, फिर क्या होगा, ये नेपाल के इनको इनको बहुत ये बात, ये आप अपना नक्शा लेके चलो, हम भी नक्शेबाजी करेंगे और देखते हैं किसका नक्शा प्रिवेल करेगा। जहां तक बातचीत की बात है, लिपु लेख पर कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ। और दूसरा आज मैं आपको ये भी कह देता हूँ, एक जिम्मेदार ये ना, ये बेटी और रोटी ना इन नायकों को हम कभी बेटी देंगे और ना इनको रोटी देंगे। और तीसरी बात, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध के बाद मंडरा रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं। देखो भाई क्या ही बोलूं मैं, इंडिया का बहुत ऐसा लोग है ना जो बाहर कर रहे हैं, सच में लड़ाई करवाया जाएगा, नहीं लड़ाई होने वाला, लेकिन लड़ाई करवाया, देखो पक्का लड़ाई करोगे, ऐसा आदमी है। और ये इस पे जो रिप्लाई किया है ना, एक दाजू है वो भी इंडिया ही का है, ठीक है भैया लोग हैं, वो भी इंडिया के लोग हैं। ये भैया का वीडियो देखो, ये भी इंडिया का है लेकिन नेपाल के सपोर्ट में कैसे बनाए, वीडियो देखो। मतलब टीआरपी तथा व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितने नीचे तक घटिया से घटिया काम कर सकते हैं। जो भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही पवित्र है उससे भी ये लोग खराब करने के लिए ऐसे अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दोस्तों ये लोग वही है जो रोड साइड अच्छा। पर एक्टिंग करते हैं और 200 समोसे और 150 रुपए की दिहाड़ी में स्टूडियो में आकर कभी मौसम विभाग के विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो कभी सुरक्षा विभाग के विशेषज्ञ बनते हैं, तो कभी मेरा ये बन जाते हैं। इन लोगों से घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा, ये लोग खुद के स्टूडियो में कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये क्या बोल रहे थे कि नेपाल को ना रोटी देंगे ना बेटी देंगे, अबे तेरे देने से ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी किसी के होने से ना होने से किसी के लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ यहीं पर अपने चैनल से कि अगर भारत और चाइना के बीच ट्रेड वार हुआ और हम लोग बाइकआउट किए चाइना का, तो क्या हम लोग मर गए हैं? भारत के लोग जी नहीं रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट के लिए। क्या ये भी इंडिया का है, ठीक है ना, ये भी चैनल वाला, ये भी, और इसके साथ जो फेमस है ना उसको भी मैं दिखाऊंगा, वो फेमस है इंडिया का है, वो भी यूट्यूबर है, फेमस है, वो भी आता है, वो भी क्या बोला है ना बार बार, वो भी हम दिखाऊंगा, मैं खुद से नहीं बोला हूँ, ठीक है ना, सब प्रूफ इसीलिए मैंने रखा है ना। देखो यार ये भी इंडिया का है लेकिन नेपाल का कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या बात कर रहा है, जो सच है तो वो तो बोलना पड़ेगा भाई, तो ठीक यही आप सोचो नेपाल के ऊपर भी। अगर नेपाल को आप बाइकआउट करते हो, कुछ नहीं वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो, तो नेपाल के लोग मरेंगे नहीं, ये बात अपने दिमाग में रख लो। कृषि प्रधान देश नाम रजिस्टर, इसका अर्थ क्या होगा कि ये कृषि प्रधान से हम बाली उपजा सकते हैं। और बेटी का रिश्ते का रिश्ता भाई ऐसा है कि है ना, वो तो ऐतिहासिक है ना, आपके कहने से वो रुकेगा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो है ना, उसके अगाड़ी तो ऐसा सब चल रहा है, और संस्कृति है, आपके कहने से संस्कृति रुकेगा नहीं, जो है सो वो चलता रहेगा। आप कौन होते बोलने वाले, आपको कोई ये आपको भी लगता है ये थोड़ी ढीला है कसवाइए, हमारे पास रिंच पिंच है। अब देखिए आपको इसको तो जब सबको चिंता होगा, ये भी यूट्यूबर है ना, इसका वीडियो भी मैं बहुत देखता हूँ, ये भी संस्कृति से लेकर और इंडिया के बारे में और नहीं नहीं जो होता है ना वायरल बात चलता है उसके बारे में बोलता रहता है। और इसी का वीडियो मैंने क्या किया डाउनलोड कर आपको प्रूफ के लिए रखा हूँ कि ऐसा क्या है। अब ये क्या बोल रहे हैं आप खुद देखो, प्रूफ सूफ सब मिल जाएगा कि हाँ अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल में ये दोनों बीच में कौन ठीक है। अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल, हकीकत भारत और नेपाल के ये तो रिश्ते बहुत गहरे हैं,
रोटी और बेटी का रिश्ता हम कहते हैं, हमारे धार्मिक अध्यात्मिक रिश्ते हैं, माता जानकी वहां से थी, श्री राम यहां से थे और हमारी सांस्कृतिक विरासत भी एक तरीके की है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में, खासतौर पर 4 सालों में कई बार जमीन को लेकर विवाद हुआ है और ये विवाद नक्शों के जरिए हुआ। 2019 में विवाद हुआ था जब 3 ऐसे क्षेत्र थे जो विवादास्पद थे और भारत ने एक नक्शा जारी किया, नेपाल ने विरोध किया, फिर नेपाल ने एक नक्शा जारी किया। लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है, अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल का। नेपाल ने जब ये तस्वीरें देखी तो नेपाल को इस बात से एतराज हो गया और नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया। नेपाल में राजधानी काठमांडू में जो उनके मेयर हैं, उनकी तरफ से बालेंद्र शाह ने एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि एक जमाने में नेपाल बहुत बड़ा हुआ करता था, हिमाचल के पश्चिमी कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल के पूर्वी तीस्ता तक। खुद कह रहा है कि भाई ये भी इंडिया का, लेकिन जो हकीकत बात है वो ये बोल रहा है ना, इसको हम सपोर्ट करेंगे ना, कि हम मनीष के सर को, खान सर को, सुधी चौधरी को इसको सपोर्ट करेंगे। और जो ये नक्शा था इसमें यूपी और बिहार के भी कई इलाकों को शामिल कर लिया गया और इसी के बाद अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल का विवाद जो है वो काफी बड़ा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि काठमांडू में जो मेयर हैं बालेंद्र शाह जी, उन्होंने अखंड भारत के नक्शे के विरोध में इस नक्शे को जारी किया था और यूपी बिहार कई इलाकों को अपने हिस्से में लिखा। भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक सांकेतिक या ऐतिहासिक नक्शा है जिसको वहां लगाया गया है, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ा जाए, ये सम्राट अशोक के जमाने के साम्राज्य को दर्शाने के लिए, इससे ज्यादा इसका कोई औचित्य अभी नहीं ना। लेकिन सवाल यह कि नेपाल के पास क्या था ऐसा, नेपाल का इतना बड़ा राज्य था जो ग्रेटर नेपाल कह रहा है, तो वो हम आपको समझाते हैं। अब सवाल यह है कि ग्रेटर नेपाल है क्या और नेपाल ने क्या पाया, क्या खोया। तो आपको बता दें कि आजादी के कई सालों पहले नेपाल का क्षेत्र जो था वो काफी बड़ा हुआ करता था, नेपाल का क्षेत्रफल काफी बड़ा था, ईस्ट में तीस्ता से लेकर वेस्ट में सतलुज तक ये था। और जब ब्रिटिशर्स से उनकी लड़ाई होती है उसके बाद नेपाल ने अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो खो दिया था। जंग में मेची से तीस्ता और महाकाली से सतलुज का क्षेत्र जो है वो उस दौरान जब युद्ध हुआ तो वो भारत को मिल गया और 4 मार्च 1816 को नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ने एक सुगौली संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली तक कम कर दिया गया था और संधि के वर्तमान में नेपाल का तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो भारत को मिल गया था। हालांकि इस संधि में नेपाल की सीमा जो है वो तय नहीं की गई थी। अब आप सोचिए कि 60% हिस्सा भारत को शिफ्ट हो जाना, ये काफी बड़ा हिस्सा जो था उनका डैमेज हुआ था। इसी वजह से आज भी 54 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में विवाद जो है चलता रहता है। फिलहाल नेपाल के साथ कालापानी, लिपुलेख, लिंबुधारा क्षेत्रों में विवाद है और ये भारत में आते हैं, इनको लेकर विवाद होता है। हालांकि ये तीनों इलाके ऐसे हैं जिनको लेकर भारत ने 2019 में नक्शा जारी किया था, नेपाल इससे नाराज हो गया था, नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था और तब पहली बार बड़े पैमाने पर। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अब तक इस मामले पर भारत पर कोई तंज नहीं किया है। हालांकि नेपाल के अंदर भारत समर्थक कही जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी जो है उसके अध्यक्ष गगन थापा इस मामले को लेकर थोड़ा खफा है भारत से और वो बार बार कह रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा जो है वो ऑफिशियली प्रकाशित होना चाहिए। जैसे भारत ने सांस्कृतिक नक्शा दिया है ऐसे नेपाल दे दे तो ये उनका भी अधिकार है, इससे भारत को भी एतराज नहीं होना चाहिए। और भारत अगर अपने यहां पर एक सांस्कृतिक नक्शा लगा सकता है तो हमें भी हमारी विरासत का नक्शा लगाने से भारत को परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय भारत को यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास था। एक पूर्व प्रधानमंत्री थे बाबूराम भट्टराई, उन्होंने भी इसको लेकर चेतावनी दी थी कि ये विवाद खड़ा कर सकता है, खासतौर पर काला पानी लिपुलेख वाला जो इलाका है उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी, क्योंकि इलाके भारत के नियंत्रण में और 2019-20 में इन क्षेत्र को लेकर नेपाल और भारत में काफी तनाव, काफी टसल देखने को मिला था। नेपाल ये कह रहा था कि भारत इसे अपने नक्शे में कैसे दिखा रहा है, भारत कह रहा था हमारा है। लेकिन ये वाले विवाद को लेकर आपका क्या सोचना है? तो भाई देखा ना, जो हकीकत है वो जभी भी कभी भी हकीकत ही रहता है, वास्तविकता है वो वास्तविकता बोलते हो ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहता है। तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत ऐसा लोग मिल जाएगा जो अच्छे भी बुरे भी, तो सब देश में होता है वो। अब इसको देख लो भाई, ये इंडिया का होकर भी नेपाल के बारे में कह रहे हैं कि आप ग्रेटर नेपाल को नक्शा जारी करना से ठीक, अब हम संस्कृति कर सकते, आप बेचले कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं माना चाहिए। और देखो इसकी नॉलेज है जो ये समझ रहा है, बुझ रहा है, इसका हम मानेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो वास्तविकता है ना पूर्व के साथ दिखा रहा है
और मैंने ऐसा ऐसा बहुत प्रूफ दिखा दिया आपको वीडियो में सर्च करके, आप भी गूगल पे सर्च करो, मैंने जितना सर्च किया है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा है ना कि ऐसा वास्तव में, लेकिन इन्हीं लोग जो है ना तो कुछ गंदे लोग हैं, गंदे लोग जो पूरा समाज को बिगाड़ देते हैं, और समाज ने यहाँ हमारा देश को बिगाड़ रहा है, ठीक है ना। हमारा जो रिलेशन है वो हमारे संस्कृति से लेकर अभी तक चल रहा है ना। सती उस कह रहा है कि राम भगवान उस टाइम से हमारा जो रिलेशन बना है अभी तक अच्छा ही, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही हो, अच्छा ही रहे, ठीक है ना। इन लोग जो पागल हैं, दिमाग के संकील हो, ये सब बिगाड़ देता है भाई, क्या करें। जो हकीकत में है वो तो इस बहुत लोग आपने देखा ना, दो आदमी इससे बहुत, यही नहीं कितना कितना आदमी है ना जो अच्छा बात बोला है, इंडिया के लोग होके भी नेपाल के बारे में बोला है कि हाँ भाई तुम ये ऐसा होता है ना, होना चाहिए सत्य ऐसा आदमी। और जो होता है ना कि नहीं भाई राज हम ही अच्छा, हम ही ग्रेटर भाई, हम ही ग्रेटर है, ऐसा बोलता है क्या, वो सच में ग्रेटर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देख लिया कि नहीं, और वायरल होने का कारण ही मैंने बता दिया कि भाई अभी देखोगे ना समाज में तो जितने आप गंदे काम करोगे ना उससे ज़्यादा वायरल होंगे, पॉपुलर होते जाओगे, और जो सच्चाई होगा वो थोड़े स्लोली चलेगा, है ना, ऐसा होता है। और देखोगे आप आजकल, आजकल ही नहीं सब दिन से ऐसा चल रहा है, जो गंदे काम किया तो फास्ट वायरल, जो अच्छे काम किया तो उसको सपोर्ट ही नहीं मिलता भाई, और फिर गंदे काम सब सपोर्ट करते, सपोर्ट करते। और मैंने एक वीडियो रखा था उसमें इंडिया के लोग बहुत गाली किए, भाई गाली दे रहे हो भाई, तुम्हें सोच लो, समझ लो, बुझ लो भाई, हमने इंडिया का पूरे जनता को गाली नहीं दिया, इंडिया का कुछ ऐसे लोग हैं आप भी गाली देते होंगे भाई, उसके देश के नेपाल इंडिया का जो प्रधानमंत्री मोदी को तो गाली देता है, हम लोग कौन होता है, कौन होते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब उससे भी पहले देखो आपके घर एक घर घर में लड़ाई होता है, हर एक घर घर में भाई से बहन से सबसे लड़ाई होता रहेगा, अपने खून है ना खून, उसमें तो लड़ाई होता रहेगा, उसमें गाली गो तो हो जाता है, गाली करो पर तो हम लोग कौन होते हैं। जो गाली देने वाला होता है ना वो ऐसा ही होता है कि अपने उसके घर में संस्कार अच्छा नहीं मिलता है, उसका वातावरण उसका घर में, इसीलिए ऐसा होता है। तो सो बात हम ये सब छोड़ देंगे, आगे हम चलेंगे, सो आगे हम मिलेंगे, तब तक लिए सपोर्ट, लाइक करो, साइन अप और सब्सक्राइब करो, जैसा पता होगा वैसा भी पता मिलेगा। सो हमने अभी भी कह रहा हूँ कि इंडिया के लोगों को मैंने गाली नहीं किया, सब लोगों को, बहुत हमारे शहर से लेके बहुत लोग हैं जो इंडिया का है, उसे भी देखेगा वीडियो तो कहेगा भाई तुमने नेपाल को, मैंने कभी गाली नहीं दिया है सबको, अभी भी नहीं गाली दे रहा हूँ, क्योंकि आपका ही घर नहीं, हमारा भी कोई रिश्ता है जो इंडिया से, इंडिया में हमारे भी लोग है, तो हम अब इसलिए थे हम गाली नहीं देंगे, हम गाली नहीं दिए, लेकिन उधर का जो लोग हैं ना कुछ बहुत पागल संकी है, कहते हैं ना जो अपने बाप मतारी से झगड़ा कर लेते तो वो आदमी को आप क्या कहोगे, तो ऐसा ही हुआ आदमी जैसा बोलता है कोई देश के बारे में झगड़ा करवाते। सो तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगा और बुझे होगे कि हाँ वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो लाइक सब्सक्राइब।